अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां मौसम को लेकर हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में तीन मौसम प्रणाली सक्रिय है। ग्वालियर समेत 24 जिलों में बारिश का अलर्ट है। रीवा सागर में मध्यम बारिश का अनुमान, तो वहीं प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बौछारें पड़ने वाली है। मौसम प्रणालियों के कारण प्रदेश में नमी का एहसास हो रहा है, तो तीन मौसम प्रणालियां सक्रिय, जिसके चलते 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे हमारी सहयोगी शबाना, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो बताया जा रहा है कि तीन मौसम प्रणाली फिलहाल प्रदेश में सक्रिय है, जिसका असर 24 जिलों में हमें देखने को मिलने वाला है। शबाना, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में तीन मौसम प्रणाली एक साथ सक्रिय होने से ग्वालियर सागर संभाग के 24 जो जिले हैं उनमें भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है, और कई जिले ऐसे जहां मध्यम वर्षा का अनुमान लगाया जा रहा। मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो है हल्की फुल्की बारिश होगी, और मौसम प्रणाली सक्रिय होने को वजह से मध्य प्रदेश में नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में जो है कहीं कहीं हल्की बारिश तो कहीं कहीं मौसम का अलर्ट जारी किया गया और तेज बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से अभी बारिश रुकी हुई थी, कम बारिश हो रही थी पिछले दो से तीन दिनों में, लेकिन आने वाले समय में बारिश का कहर देखने को मिलेगा और मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी रहेगी। जी, क्योंकि इन 24 जिलों में शबाना भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और कई सारे ऐसे ज़िले हैं और इन ज़िलों के अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे से गाँव है शबाना, जो जलमग्न हो चुके हैं, जहां पर जलभराव हो चुका है। ऐसे में अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है, फिलहाल जैसे कि तीन प्रणालियाँ सक्रिय है, आने वाले समय में और बारिश होगी, तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें लोगों की, तो किस हिसाब से व्यवस्थाएँ हैं प्रदेश में? देखिए, मौसम की वजह से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, अगर मैं उसकी बात करूं तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया और लोग जो है मौसम बारिश लगातार आने वाले समय में होने वाली है, तो लोगों को जो है लगातार निर्देश दिया जा रहा है। और कई जिले ऐसे जो छोटे जिले हैं जो है जो पहाड़ी इलाके में नहीं बने, निचले स्तर पर बने हैं, तो उन जिलों में पानी भर जाता है। ऐसे में जो बताया जा रहा है कि वहाँ के प्रशासन को साफ तौर पर मुख्यमंत्री के अलावा विभागीय अधिकारी द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि जो है राहत बचाव का काम अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो करने के लिए तैयार रहे। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी है, लेकिन निचले इलाकों में जो है लोगों के घरों में पानी घुस जाता, तो उससे लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, और वो दिक्कतों के साथ साथ जो है बीमारियां आसपास के गंदगी फैलने से भी होती है, तो लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट आज भी जारी किया गया है, जिसके चलते दर्शकों से यही अपील है कि बारिश के मौसम में घर से बाहर ना निकले, और खासकर इस मौसम में अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें।